नमस्कार, आप देख रहे हैं जुबी न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। कोविड-19 के नए स्ट्रेन के चलते भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर लगाई रोक। जी हां, भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक लगा दी है। कोरोना का ब्रिटेन में नया और खतरनाक स्ट्रेन आने के बाद भारत की तरफ से यह कदम उठाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि ब्रिटेन में पैदा हुए मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने ब्रिटेन से आने वाली सभी फ्लाइट्स को 23 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 की रात 11:59 तक रोक लगाने का फैसला किया है। ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों में सवार यात्रियों को विमान उतरने के बाद हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से RT-PCR जांच करवानी होगी। गौरतलब है कि ब्रिटेन में कोरोना महामारी का नया स्वरूप आने के बाद फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, तुर्की और इटली ने भी ब्रिटेन की यात्रा पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कोलंबिया, चिली, कनाडा, कुवैत, सऊदी अरब सहित कई अन्य देशों ने भी फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। किसान संगठनों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी, तो सरकार ने किया बातचीत के लिए आमंत्रित। जी हां, कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान संगठनों का आंदोलन भीषण ठंड में भी जारी है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किसान संगठनों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। केंद्र सरकार ने बातचीत के लिए किसान संगठनों से तारीख तय करने के लिए कहा है। आपको बता दें, केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। किसान संगठन के नेता एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं, लेकिन सभी दौर की वार्ताएं पूरी तरह विफल साबित हुई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का हुआ निधन, पीएम मोदी और राहुल गांधी ने जताया शोक। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें, उनका कल ही जन्मदिन था। लंबे समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे मोतीलाल वोरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। मोतीलाल वोरा के परिवार के सदस्यों ने बताया कि कोरोना के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बाद यहां पर एक निजी अस्पताल में उनका निधन हुआ। वह कुछ हफ्ते पहले ही कोरोना से संक्रमित हुए थे और कई दिनों तक एम्स में भर्ती रहने के बाद उन्हें छुट्टी भी मिल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने मोतीलाल वोरा के निधन पर शोक जताया। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन आया तो डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, सरकार सतर्क है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ब्रिटेन में कोरोना महामारी के एक प्रकार यानी स्ट्रेन के संक्रमण को लेकर चिंताओं के बीच कहा कि सरकार सतर्क है और लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने पिछले एक साल में हर वह काम किया है जो कोविड-19 से निपटने के लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने कोरोना महामारी के नए स्वरूप के संक्रमण को लेकर चिंताओं और ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध की मांग के संबंध में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं कहना चाहूँगा कि ये काल्पनिक परिस्थितियाँ हैं, ये काल्पनिक बातें हैं और ये काल्पनिक चिंताएँ हैं, आप इन सबसे दूर रहिए। आपको बता दें कि हर्षवर्धन ने आगे कहा कि सरकार वह हर चीज के बारे में पूरी तरह से जागरूक है। यदि आप मुझसे पूछें तो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि संवाददाता सम्मेलन में देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर का ऐलान, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 10 सीटें भी आई तो छोड़ दूंगा ट्विटर। जी हां, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिन के बंगाल दौरे के दौरान ये बता दिया है कि ममता बनर्जी के लिए इस बार का चुनाव आसान नहीं होगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर बीजेपी के उत्साह को काल्पनिक मान रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मीडिया का एक वर्ग बीजेपी के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसे साफ है कि बीजेपी दहाई के आंकड़े के लिए संघर्ष कर रही है। अगर बीजेपी बंगाल में बेहतर प्रदर्शन करती है तो मैं ट्विटर छोड़ दूंगा।
प्रशांत किशोर के इस ट्वीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट किया और कहा कि भाजपा की बंगाल में जो सुनामी चल रही है, सरकार बनने के बाद इस देश को एक चुनाव रणनीतिकार खोना पड़ेगा। अमित शाह पर सीएम ममता बनर्जी का वार, बोली बीजेपी धोखेबाज पार्टी, हम सीए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बीजेपी को धोखेबाज पार्टी बताते हुए कहा कि वह राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के बंगाल में कोई विकास नहीं होने के आरोपों पर अमित शाह से कहा कि आप गृह मंत्री हैं और आपको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। ममता ने आगे कहा कि उन्होंने झूठ का पुलिंदा बोला। उन्होंने दावा किया कि हमारा राज्य उद्योग में शून्य है, लेकिन हम एमएसएमई क्षेत्र में नंबर वन हैं। उन्होंने दावा किया कि हमने ग्रामीण इलाकों में सड़कों का निर्माण नहीं किया, लेकिन हम उसमें नंबर वन हैं। यह भारत सरकार का कहना है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी एक धोखेबाज पार्टी है, राजनीति के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। हम सीए का विरोध कर रहे हैं जब से यह कानून बना है। बीजेपी नागरिकों के भाग्य का फैसला नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी किस्मत खुद तय करने दें। हम एनपीआर, एनआरसी और सीएए के खिलाफ हैं। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, अब 28 फरवरी तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की मिली छूट। जी हां, देश भर में फैली हुई महामारी के बीच केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है। कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि यह फैसला पेंशन बांटने वाले बैंकों में भीड़ जमा होने और महामारी के खतरे से बचने सहित सभी संवेदनशील पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया है। संगठन के इस फैसले से ईपीएफओ से जुड़े हुए 35 लाख और केंद्र से जुड़े हुए 65 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों को सीधा फायदा मिलेगा। उन्होंने कोरोना महामारी की वजह से नवंबर तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया था। श्रम मंत्रालय ने कहा कि जो पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा करा पाए हैं, उन्हें फरवरी तक हर महीने पेंशन मिलेगी और वे 28 फरवरी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। लद्दाख में बनेगा नया टूरिस्ट स्टेशन, स्विट्जरलैंड जैसा होगा नज़ारा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटकर बनाए गए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्विट्जरलैंड के दाओस जैसा टूरिस्ट स्टेशन विकसित करने की योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक लद्दाख में जिजोला सुरंग और जम्मू कश्मीर के जेड मोड के बीच 18 किलोमीटर इलाके में इस टूरिस्ट स्टेशन को बनाया जाएगा। इस बारे में लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों के साथ अगले सप्ताह बातचीत की जाएगी। बताया जा रहा है कि यह टूरिस्ट स्टेशन लाओस से भी ज्यादा सुंदर होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि हम एक टाउन बसाना चाहते हैं जो स्विट्जरलैंड के दाओस से अधिक सुंदर होगा। उन्होंने बताया कि इसे जोजिला सुरंग और जेड मोड के बीच ऊंचाई वाले इलाकों में बसाने की योजना है। यह विश्व स्तर की परियोजना होगी। इससे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर व शानदार अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि जोजिला दर्रा समुद्र तल से 11,578 मीटर की ऊंचाई पर श्रीनगर करगिल लेह मार्ग पर स्थित है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को लगा झटका, सांसद और युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी टीएमसी में हुई शामिल। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव की आहट के साथ ही नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दौरे पर टीएमसी के एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए थे। अब झटका बीजेपी के लिए है। बंगाल के बीजेपी के सांसद सौमित्र खान की पत्नी सुजाता मंडल खान ने बीजेपी छोड़ करके टीएमसी का दामन थाम लिया है। सौमित्र खान बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि सुजाता मंडल खान की पार्टी में अगवानी तृणमूल सांसद सौगत राय और प्रवक्ता कुणाल घोष ने की। पार्टी में शामिल होने के बाद सुजाता खान ने कहा कि मैंने राज्य में पार्टी को ऊपर लाने का काम किया था, लेकिन अब भाजपा में कोई सम्मान नहीं है। एक महिला होने के नाते मेरे लिए पार्टी में रहना मुश्किल था। इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक सौमित्र खान की प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया ने किया इसका ऐलान।
जी हाँ, दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं दो बार व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड गया और जनता से मिला। जनता की शिकायत है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर कोई काम नहीं किया है। हम उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में 2022 की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने की उम्मीद है। सिसोदिया ने यह भी कहा कि मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के मंत्री मदन कौशिक जी ने उनके सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर चर्चा करने की चुनौती स्वीकार की है। मैं उनका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि मुझे चर्चा के लिए स्थान और समय बताएं। आज का माइंड क्विज क्वेश्चन आ चुका है, केबीसी सीजन 12 को होस्ट कौन कर रहे हैं? आप इस सवाल का जवाब जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने अभी तक जियो न्यूज को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो मिलते हैं दोपहर और दिन भर की खबरों के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।